इंदौर पुलिस आगामी त्योहारों को लेकर मुस्तैद नजर आ रही है। यही वजह है कि छत्रीपुरा पुलिस की सतर्कता और सूझबूझ से ताजे निकालने के दौरान इंदौर में एक बड़ा विवाद टल गया। हालांकि इस दौरान पुलिस द्वारा एक बदमाश पर जिला बदर की कार्रवाई की गई। इंदौर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होने के बाद न सिर्फ पुलिस द्वारा अवैध गतिविधियों पर लगाम कसी जा रही है, बल्कि बदमाशों पर नजर रखी जा रही है ताकि त्योहारों के दौरान शांति बनी रहे। यही वजह है कि एक बार फिर छत्रीपुरा पुलिस की सतर्कता और सूझबूझ से ताजिया निकालने के दौरान एक बड़ा विवाद टल गया। दरअसल ताजिया जुलूस के दौरान विवाद की घटना सामने आई थी, जिस पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए न सिर्फ मामले को शांत कराया बल्कि एक आरोपी मोहम्मद साबिर के खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई की। हमारे द्वारा लगातार पेट्रोलिंग की जा रही है, साथ ही जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, बदमाश हैं, उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की गई है। ताजपट्टी बाखल का जो अखाड़ा निकलता है वो भी मोहम्मद साबिर कुरैशी और बोरा, उसके खिलाफ भी हमने जिला बदर की कार्रवाई की है और उसका नोटिस शामिल कराया है। लगातार नियंत्रण किया जा रहा है और रात्रि में जो थोड़ा सा इनके आपस में विवाद हुआ था उसी के मद्देनज़र पुलिस द्वारा सख्त एक्शन लिया गया, जिसके कारण से कोई बड़ी घटना घटित नहीं। पूरी सक्रियता थी, सभी अधिकारियों के संपर्क में थे, अधिकारी भ्रमण कर रहे थे, साथ ही जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग थे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही थी और इसी के परिणाम स्वरूप रहा कि हमारे यहाँ जो बड़े घोड़े और छोटे घोड़े के यहाँ पे ताजिए और अन्य जो भी आते हैं कहीं भी कोई ऐसी अप्रिय घटना घटित नहीं हुई। फिलहाल स्वतंत्रता दिवस सहित आगामी दिनों में आने वाले त्योहार को लेकर पुलिस अलर्ट है, साथ ही बदमाश और संदिग्ध लोगों पर पैनी नजर बनाए रखी है। इंदौर से हार्दिक प्रजापत की रिपोर्ट।